थालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह कदम उठाया केंद्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। साथ दिया उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सभी के समन्वय, संयुक्त प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज मुमकिन हो गया, आज साकार हो गया वो सपना जो देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी उज्जैन में आज लोकार्पित हो चुका है प्रसादम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी बहुत जल्द हमारे बीच इस मंच पर भी होंगे, जिनके आगमन पर अनावरण होगा, भूमि पूजन और लोकार्पण होगा 187 विकास कार्यों का। विकास के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार, विकास के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार, और संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने। आपकी तालियों की गर्जना के साथ देवी और सज्जनों, मंच पर आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे अपने लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी का। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गर्जना गुंजायमान हो। साथ में है माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर जारी रहे देवी और सज्जनों, क्योंकि हम सबको मिल चुका है प्रसादम का प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए, प्रसादम के लिए। साथ ही आज होंगे 187 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। साथ में हमारे अपने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप भी मंच पर मौजूद हैं। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र घटिया का। साथ में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, श्रीमती कलावती यादव, माननीय सभापति महोदया नगर पालिक निगम उज्जैन। साथ में हमारे साथ माननीय महापौर श्री मुकेश टटवाल जी भी मौजूद हैं। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। श्री जितेंद्र पंड्या जी माननीय विधायक, श्री श्याम बंसल जी माननीय अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, आप सभी का बहुत स्वागत। साथ में श्री विवेक जोशी जी माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन नगर, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय भाजपा उज्जैन ग्रामीण, आप सभी अतिथियों का स्वागत प्रसादम के लोकार्पण कार्यक्रम के इस मंच पर। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। आदि गुरु आदि योगी, एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान के महालोक में समीप ही जहां मां हरसिद्धि भी विराजी हैं, सेनापति काल भैरव हैं और चिंता हरने वाले चिंतामण गणपति, मंगल की जन्मभूमि है और कर्क रेखा भी यहां से गुजरती है। देवी और सज्जनों, ये तथ्य नहीं है अपितु धार्मिक राजधानी होने के प्रमाण है, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर आज एक और नया कीर्तिमान अंकित हुआ उज्जैन के नाम। आप सभी की तालियों की गर्जना के साथ आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद प्रकट कीजिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का प्रसादम के प्रसाद के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सौगात देने के लिए। देवी और सज्जनों, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, अतिथि देवो भव को आइए चरितार्थ करते हैं
और स्वागत की बेला का शुभ आरंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का बेल पत्र का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें और आपकी तालियों की गर्जना देवी। और सज्जनों, बहुत अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपका। साथ ही मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से हमारे अपने और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें ये बेल पत्र का पौधा भेंट कर। आपका बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी के लाडले हैं, आप सभी के दुलारे हैं, आप हमारे अपने हैं। आपका बहुत स्वागत आपकी अपनी मातृभूमि पर। मैं आग्रह करूंगा अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान साहब से कृपया आए और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बेल पत्र का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बहुत अभिनंदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी आपका। मैं पुनः आग्रह करूंगा सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुक्त खाद्य एवं औषधि डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब से कृपया आए और हमारे साथ मौजूद राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब का स्वागत करें। बहुत अभिनंदन माननीय मंत्री जी आपका कार्यक्रम में। मैं आग्रह करूंगा श्री नीरज कुमार सिंह जिलाधीश उज्जैन से कृपया आए और हमारे बीच मौजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री जी कमलावर्धन राव साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक जी से कृपया आए और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब विधायक उज्जैन उत्तर का स्वागत, नगर निगम आयुक्त एवं सीईओ उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री आशीष पाठक जी के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा श्री जितेंद्र पंड्या जी के स्वागत हेतु नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक जी से आपका स्वागत करें। श्री सतीश मालवीय जी के स्वागत हेतु भी मैं आग्रह करूंगा श्री आशीष पाठक जी से। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब विधायक नागदा खाचरोद के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी बेलपत्र शमी और तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री श्याम बंसल जी का अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, श्री मुकेश टटवाल जी माननीय महापौर उज्जैन नगर पालिक निगम के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी। इसी क्रम में माननीय सभापति महोदया श्रीमती कलावती यादव आपके स्वागत हेतु भी श्री आशीष पाठक जी से अनुरोध है। स्वागत की इस बेला के बाद देवी और सज्जनों, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा हमारे बीच मौजूद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश शासन से कृपया आए और स्वागत उद्बोधन दें। महाकाल की पवित्र नगरी पर हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सबके लाडले नेता आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं देख रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूरा उज्जैन अब पूरा मालवा ही खुशी से झूम रहा है, खुशी से नाच रहा है। ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फरोजिया जी, विधायक गण आदरणीय